हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा सोलंकी और आज हम बात करेंगे कि आप कैसे काले लिनक्स में आप टर्मिनेटर इंस्टॉल कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने काले डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स टाइप करनी होगी। कुछ नहीं, एक ही कमांड काफ़ी है काले लिनक्स में टर्मिनल इंस्टॉल करने के लिए। तो उसके लिए आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको कमांड लिखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, या फिर टर्मिनल में देख लीजिए, sudo apt-get install terminator। जी हाँ, काफ़ी सिंपल है, लेकिन फिर भी मुझे डिटेल में आपको बताना था, सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 560 KB की आर्चीव डाउनलोड होगी। तो यहाँ पर ये वाई टाइप करके आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टिंग, वेटिंग, जो भी ये होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर और मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो दोस्तों, जिसके आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है और जो कमांड का प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए एग्ज़िट, और एग्ज़िट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन खोल लेनी है। वहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो एक बार आप सर्च भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो चलिए हम फटाफट से सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है टर्मिनेटर। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया टर्मिने, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर का इसका आइकन है, और ये टर्मिनल की तरह ही है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात है कि आप इसे मल्टीपल टाइम्स एक ही स्क्रीन पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे अपने फेवरेट्स में डाल दिया और आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं टर्मिनेटर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए मैं कुछ कमांड्स में आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे ओपन कर लिया है, मतलब जूम कर लिया है, ताकि आप इसे अच्छे से देख पाओ। तो देख सकते हैं आप, मैं स्प्लिट करता हूँ इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम, स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो हर एक चीज़ को आप सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हो, जिसके मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप अलग कमांड टाइप कर सकते हैं और सब जगह आप अलग कमांड टाइप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर MSF कंसोल टाइप किया। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ हु एम आई, सॉरी गलत हो गया, हु एम आई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट है, और फोर्थ में आप अलग कर सकते हैं, फिफ्थ और थर्ड में भी आप अलग कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, और अगर आप एक्सपर्ट है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करिएगा, क्योंकि हर बार दूसरा टर्मिनल विंडो ओपन करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए टर्मिनल मैं टर्मिनेटर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फोर्थ में सर्विस टॉर की सर्विस रन करके देखता हूँ। तो मैं बता दूँ, ये अभी टॉर मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आ चुका है, और इसमें आप अभी मैंने ख़ास कुछ इंस्टॉल नहीं किया है इस मशीन में। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ sudo apt-get install टॉर। तो चलिए इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हर एक विंडो में अलग अलग चीज़ें हो रही है, तो इसीलिए आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। कि यहाँ पर तो मैंने सिर्फ चार ही ओपन किया है। तो यहाँ पर मैं अपाचे की सर्विस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए आप, ये मैंने गलत टाइप कर दिया है अभी। तो सर्विस अपाचे स्टार्ट, सर्विस टॉर अपाचे स्टार्ट, ये भी गलत है, ये भी फेल हो जाएगा। तो मतलब बस यही था मेरा पर्पज़, कि आप एक ही विंडो में बहुत सारे टर्मिनल्स एक साथ ओपन कर कर एक ही टाइम पे एक ही स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, यही था आज का मेरा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स या फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।